हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के टाइम कौन से क्वेश्चंस आपको वो उन्होंने पूछने ही है और किस तरीके से आप उनकी तैयारी कर सको। मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सारे एजुकेशंस के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं फिनांस के एक्सप्लेन करूंगा, फिर जिन बंदों का एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड, ठीक है, और फिर यूएसए में रिलेटेड की जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब 90% पूछने ही है, उनके ऊपर डिस्कस की है। तो होपफुली आप ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं डालूं आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाई आर यू गोइंग टू यूएसए, ठीक है। तो ऑफिसर ने पूछना ही पूछना है जब उसने आपका पासवर्ड ले लिया, ठीक है। बोल सकता है कि साथ में कि हाँ I-20 दो और या फिर DS-160 दो, ऑप्शनल है, लेकिन पासवर्ड तो उसने आपका लेना ही है, ठीक है। उसके बाद उसका पहला ये क्वेश्चन होगा, व्हाई आर यू गोइंग टू यूएस, ठीक है, कि आप यूएस में क्यों जा रहे हो। आपका जवाब होना चाहिए कि आई एम गोइंग फॉर माई हायर स्टडी या माई बैचलर स्टडी और 1 ईयर कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, इन दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये पूरा बोलना है। लाइक माई आई एम गोइंग फॉर माई हायर स्टडी इन MBA इन गैनन यूनिवर्सिटी, दिस इज, ठीक है। तो ये वाला इतना रहेगा, आपने इतना बोलना है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन ही करना कि कॉलेज मेरा इस स्टेट में है, ठीक है, या फिर इस सिटी के अंदर है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, इतना ही बोलना है क्योंकि इतने इसका आंसर ही इतना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी यू अप्लाइड एंड एडमिटेड, कौन से कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज में और कितनों ने आपको एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट किया। आप बता सकते हो कि आई हैव अप्लाइड इन 1 और 3 यूनिवर्सिटी या 4 यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी यूनिवर्सिटी यू डिड, उसका बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो आप बता देना कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और इतनी यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया, उन यूनिवर्सिटीज के नाम बता दो, जैसे 3-4 यूनिवर्सिटीज जो भी है, हो सकते हैं जैसे कोई किसी ने एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया है लेकिन वो इस क्वेश्चन को भी तैयार करना चाहता है, तो वो बोल सकता है 2-3 यूनिवर्सिटी और नाम, ठीक है, ठीक है। कुछ इजी यूनिवर्सिटीज के नाम है जो मैं आपको बोल देता हूँ, वो आपको याद रहेंगे, जैसे सोफिया यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलस दूसरी यूनिवर्सिटी होगी, थर्ड लिंकन यूनिवर्सिटी, ठीक है, फोर्थ गैनन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इस तरीके की यूनिवर्सिटीज के बारे में आप बोल सकते हो इसके अलावा। और अपनी यूनिवर्सिटी का तो बोलना ही है कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी या मेरा कॉलेज जे वाला है और इस इससे मुझे I-20 आई है, और ये अगर आपको एक या दो और I-20s आई हैं तो वेल एंड गुड, आप उनका भी बोल दो, ठीक है। तो फिर उसका आगे का क्वेश्चन ये होगा, व्हाई यू सेलेक्ट दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कि ये ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपने क्यों चुना फिर, ठीक है। अभी आपको इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आप MBA के लिए जा रहे हो या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस में लैब्स होती है ना वहां पे, ठीक है, आप बोल सकते हो वहां पे हाई टेक लैब्स है, ठीक है। जैसे हाई टेक लैब्स कौन सी हो गई कि आई हैक क्लाउड कंप्यूटिंग विद वर्चुअल प्रोग्राम्स, ठीक है, इस तरीके की लैब्स हो गई, और उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, इस तरीके की लैब हो गई MBA में, ठीक है। इस तरीके की आप अपनी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लैब्स भी ढूंढो, ठीक है ना। तो लैब्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यूएस जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देता है प्रैक्टिकल नॉलेज को, ठीक है। तो आप वो सीधी सी बात है कि आप यूएसए जा रहे हो, इंडिया में नहीं हो, क्योंकि इंडिया में तो थ्रेटिकल नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, तो यूएस में इसमें उल्ट है। तो वो फिर आप प्रैक्टिकल काम करोगे वहां पे, प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे, तो उसके बारे में बताओ कि इस तरीके की लैब्स है वहां पे, ठीक है।
ये नहीं बताया ना कि वहां पे इतने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। इसमें बताओ कि एक टीचर का नाम, एक या दो टीचर का नाम, जैसे विलियम मैकेंड्रू, ठीक है, ये वाला टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, पीएचडी है, ठीक है ना, पीएचडी होल्डर है, उसके बारे में पूरा बताओ कि डॉक्टर विलियम मैकेंड्रू, ठीक है, वो मुझे पढ़ाएगा बिजनेस के रिलेटेड, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वो मुझे स्टडी करवाएगा, और एनालिटिक्स ऑप्टिमाइजेशन की स्किल्स सब्जेक्ट्स वो मुझे स्टडी करवाएगा, और मैं उससे टच में भी हूँ उसके, ठीक है। किस तरीके की मैं उससे टच में हूँ कि मैं कॉलेज की वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर कॉलेज की गेस्ट ऐप के थ्रू, ठीक है, या फिर मैंने उसकी कोई बुक रीड की हुई है, ठीक है। इस तरीके के जेन्युइन चीजें लगनी चाहिए कि हाँ बंदा सच में ये सर्च करके आया है, इसे पता है, इसने डिस्कस की है कॉलेज वालों से भी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का ये रिप्लाई होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज योर स्टडी बैकग्राउंड। इसमें आएगा आपका अभी इंडिया में या कौन सी कंट्री जहां से हो आप, उसमें वहां पे अपने स्टडी बैकग्राउंड आपका क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्लस टू की है, ठीक है, जहाँ फिर मैंने बैचलर की है, जहाँ मैं मास्टर की हुई है, तो मैं फिर से मास्टर के लिए जा रहा हूँ, जब मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने प्लस टू किया मैं बैचलर के लिए जाऊँगा, जहाँ मैं डिप्लोमे के लिए, जो मैंने बैचलर किया मैं मास्टर में जाऊँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने बैकग्राउंड बताना है कि मैंने आई हैव डन माई बीटेक इन दिस ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद दिस दिस ग्रेड, लाइक कि मेरे इतने मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज बोलनी है। और उसके अलावा तो आपने स्टडी में कुछ आएगा ही नहीं, ऐसे नहीं है कि आप 10th का भी बोलने लग जाओ, डिग्री के बाद आप 12th का भी बोलने के लग जाओ, लास्ट स्टडी जो भी है, 12th है, डिग्री है, जो भी है, वो एक लास्ट, ठीक है। तो फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन ये है, हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस। ये तो भाई उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो अभी फ्रेशर ही हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट उनकी स्टडी खत्म हुई है, या 1-2 साल का गैप है, गैप ठीक है चल जाता है, ठीक है, ज्यादा होगा तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, 1 साल का या 6 मंथ का चल जाएगा, क्योंकि पता है कोविड के कारण ज्यादा का आपको बताना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अभी फिफ्थ जिसको एक्सपीरियंस है वो आप बता देगा कि हाँ आई हैव 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी, ठीक है, तो मैं उसके अलावा इस कंपनी में अलावा कोई और कंपनी में भी काम कर रहा था, कि लास्ट 2 ईयर मैंने इसमें काम किया, नेक्स्ट 2 ईयर हम मैंने इसमें काम किया, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे मेरी पोस्ट ये वाली थी, जैसे कि मैं बीडी था, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, या फिर मैं कोई भी आपकी जो भी पोस्ट होगी, मेरे माइंड में इतने नाम नहीं आ रहे हैं, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने बताना है, ठीक है ना। और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है, जेकर आप एक कंपनी में हो तो वर्किंग कंपनी के बारे में बताना है आपकी ड्यूटीज, जेकर आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, 2 या 3 कंपनी में, तो मतलब कि ड्यूटीज तो लास्ट वाली बतानी है, उसके पहले बता सकते हो कि मैंने इतनी कंपनीज में भी काम किया है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, जैसे कि व्हाट इज योर ड्यूटीज इन वर्किंग कंपनी। तो मेरी ये ड्यूटीज थी कि मैं बिजनेस हैंडल करता था, ठीक है ना, मैं बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल है बीडीएम, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस हैंडल करता हूँ, किसके रिलेटेड, आईटी फील्ड के रिलेटेड, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मैं डील करता हूँ ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। तो मेरी नीचे की कितनी कौन सी कंपनीज में काम किया, तो आपने जब DS-160 में 2 कंपनी तो मेंशन की होंगी ना, वहां पे 2 कंपनी का ही ऑप्शन आता है कि जेकर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया, 2 कंपनी का लास्ट का आएगा उसी का बताना है कि मैंने लास्ट वाली कंपनी में एंड्रॉयड डेवलपर था या आईओएस डेवलपर था, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं उसमें साल 2 साल ये वाला मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया, मैं बीडीएम में आ गया, ठीक है ना, या मैं सीनियर डेवलपर बन गया, सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर बन गया, या सीनियर आईओएस डेवलपर बन गया, या वेब डेवलपर बन गया, ठीक है ना। तो मेरी कंपनी अब, तब मेरी कंपनी ये थी, अब मेरी कंपनी ये है, ठीक है, क्लियर है। और 7th तो क्वेश्चन है जो पूछना ही पूछना है, वो इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू, ठीक है ना, कि आपका स्पॉन्सर कौन है,
आप बता सकते हो कि मेरी फैमिली, मेरा फादर या फिर मेरी मदर हो गई, ठीक है ना, या मुझे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रही है, जो भी स्पॉन्सर आपको कर रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मुझे पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है ना। जे आप खुद भी आपके पास पैसे हैं तो अपना आप भी बोल सकते हो कि आई हैव इतनी सेविंग कि मेरे पास 10 लाख या 20 लाख की सेविंग है, क्योंकि मैं पिछले 2 या 3 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पापा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि पापा ही स्पॉन्सर मेन माने जाएंगे। आपके पास चाहे सेविंग है बट आप अभी काम नहीं करोगे इंडिया में, आप तो चले जाओगे बाहर, ठीक है ना, आप यूएसए में चले जाओगे, फिर आपकी जो सेविंग रह गई वो आपके काम आएगी, काम नहीं कर सकते। मेन एप्लीकेंट कौन होगा? फादर या मदर, जो भी आपने बोला होगा, ठीक है, जो भी आपके है स्पॉन्सर। 7th क्वेश्चन क्लियर? जिस किसी को भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, मैसेज ड्रॉप कर देना इसके अंदर, यूट्यूब के चैनल के अंदर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरे को सीधा मेरे से बात कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो और डिस्कस कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, 8th पॉइंट इज व्हाट दे आर डूइंग फॉर लिविंग। तो वो पूछेंगे ना कि हाँ, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन में या फिर स्पॉन्सर वाले क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन को आप ज्वाइन भी कर सकते हो एक क्वेश्चन की तरह, या फिर ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। 7th वाले में पूरी डिटेल दे दो कि हाँ, मेरा ये फादर है जो, ठीक है, उनकी एनुअल इतनी है, सेविंग उनके पास इतनी है और इमूवेबल एसेट्स इतने हैं, ठीक है, और इसके साथ ही अपना भी बता देना कि मेरे पास खुद सेविंग इतनी है, ठीक है। 8th क्वेश्चन का आंसर भी सेम ही है कि वो लिविंग के लिए क्या करते हैं, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उनका खुद का बिजनेस है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है वो काम करते हैं वो वाला, और उनके बाद उनकी एनुअल सैलरी इतनी है साल की, ठीक है, कि 10 लाख बनती है, 20 लाख बनती है, जितनी, और उसके बाद कि वो उनके इमूवेबल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, ठीक है, कितनी है, और सेविंग्स इतनी है, जो भी बताना है कि सेविंग 25 लाख है, 30 लाख है, इमूवेबल एसेट्स लाइक 70 लाख है, जब 1 करोड़ या 2 करोड़, वो आप बताओगे। किसी ने ये चेक नहीं करने कि इमूवेबल एसेट्स की आप रिसिप्ट दिखाओ या फिर उसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है, या फिर सेविंग के सर्टिफिकेट दिखाओ। बहुत रेयर चांस है कि आपके ये सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं सेविंग के, ठीक है, नहीं तो देखते नहीं है। ओके, 9th क्वेश्चन, हाउ यू विल मैनेज योर फंड्स इन यूएस। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक भी हो सकता है, ठीक है, जब तीन भी हो सकते हैं, या चार भी हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, ठीक है, कि अपने आप फंड्स कैसे मैनेज करो मैं यूएस में। बता देना कि मेरे पापा, ठीक है, या मेरी मॉम ये काम कर रहे हैं, उनके पास इतनी सेविंग है, इमूवेबल एसेट्स इतने हैं, तो मैं इजिली सर्वाइव कर लूंगा यूएसए में, ठीक है, मैं इजिली अपनी लिविंग कॉस्ट वहां पे कैरी कर लूंगा, और इजिली जो मेरी स्टडी की जितनी भी फीस है वो मैं पे कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। बाय चांस उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप बोल देना इन केस कि मुझे जरूरत पड़ी और मनी की, देन आई विल डेफिनेटली गेट स्टडी लोन, ठीक है, इफ आई नीड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। और उसके बाद 10th क्वेश्चन है, आफ्टर स्टडी व्हाट्स योर प्लान। पूछना ही है? नहीं पूछ सकते। और जिनसे ये पूछ लेते हैं तो वो यार 90% श्योर हो जाओ कि आपको वीजा मिलना है। ओके, व्हाट स्टडी आफ्टर स्टडी व्हाट्स योर प्लान। लाइक मैं तो वापस आऊंगा ही, उनको तो है कि ये बंदा वापस आए, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर के स्टडी के बाद आई विल कम बैक इन माय कंट्री एंड आई विल ग्रो माय बिजनेस इफ यू आर इन बिजनेस फील्ड, ठीक है। सेकंड, आई विल ज्वाइन एमएनसी कंपनी और फाइंड कंपनी और जॉब, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आई विल स्टार्ट माई ऑन बिजनेस, ये वाले बोल सकते हो। उसके बाद पहले अपनी जॉब का, ठीक है, आपके काम का, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि हियर इन इंडिया आई हैव ए फैमिली, आई एम अ मैरिड पर्सन, आई एम नॉट मैरिड, आई एम देन आई एम ए एल्डर ब्रदर, लाइक दिस, तो वो वाला क्वेश्चन आएगा, आंसर आपने बताना है, ठीक है।
तो थर्ड में मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरी प्रॉपर्टीज हैं, वो वाले पॉइंट्स बताने हैं। तो ये पॉइंट पूछेंगे इन क्वेश्चन और आपको इसके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो अदर क्वेश्चंस में क्या है, अदर क्वेश्चंस में लाइक वेट 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 ओके, अदर क्वेश्चंस में है व्हाट इज योर पासवर्ड नंबर, ये ज्यादा हो ही जाता है यार सबको, ठीक है। पासवर्ड नंबर पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं, रियर चांस। व्हाट्स योर सर्विस आईडी, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। वेयर यू विल स्टे इन यूएसए, ठीक है, आप कॉलेज के कैंपस में ही रहोगे, चाहे आपके रिलेटिव्स है या नहीं है, आप मेंशन करो कि आई विल स्टे इन माय कॉलेज कैंपस बिकॉज आई विल ओनली फोकस ऑन माय स्टडी, ओके। एंड यू हैव एनी स्कॉलरशिप, इफ यू हैव देन यू कैन से आई हैव दिस अमाउंट स्कॉलरशिप विद माय स्टडी, ओके। ये सब बोल सकते हो आप ये वाला 14th वाला जो क्वेश्चन है अपनी, जब वो कॉलेज के बारे में पूछेगा ना कि व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसमें भी ये ऐड कर सकते हो कि आई ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इतना अमाउंट मैंने मुझे मिल रहा है, ठीक है, ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन ये आ गया कि वहां पे आपका कोई रिलेटिव है तो जेकर होगा आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, उसका पासपोर्ट नंबर, जेकर वो बंदा जो रिलेटिव है उसका करेक्टर वहां पे ठीक नहीं है किसी भी कारण, तो आप मत दो उसकी डिटेल, ठीक है, दूरी रखो, उसको बोल दो नो, वो अंतरजामी नहीं है कि उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे की ये लिंक है, और आप बोल सकते हो कि हाँ नहीं, तो इसका आंसर नो में ही रखना तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट्स में भी बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, होपफुली इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।